लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वो जहां भी है बहुत आराम से है। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? Oh, I see how stupid of me. तुम ये चेहरा तो हजार बार देख चुकी हो, मगर ये रूप पहली बार देख रही हो, राइट? लेकिन तुम तो खुद चाहते थे ना कि इस रकम से हॉस्पिटल खोला जाए? जी जी, इसी मकसद के लिए तो हम सब ने ये पैसे इकट्ठा किए थे। Excuse me, हम सब? हम सब ने नहीं, मैंने और इसने। वो मेरी मेहनत थी जिसने तुझ जैसी लड़की को इस काबिल बनाया, जिसके कदमों की थरथराहट करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाए। वरना बंबई शहर तो ऐसा शहर है जहां तुझ जैसी हजारों लड़कियां रोज स्टार बनने का ख्वाब लेकर आती है, लेकिन या तो गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाती है या तो किसी कोठे की रौनक बन जाती है। हम सब एक एक पल, वो एक एक दिन जो मैंने तुझे तराशने में बर्बाद किए, उसका कर्ज चुकाने का आज दिन आ गया, सूद समेत। Now sign the bloody papers. अगर कोई अपनी जगह से हिला तो जुर्म की शतरंज पे मौत के मारे बिछा दूंगा। Come on. Move. तेरा खेल खत्म हो चुका है दीपक मल्होत्रा। दीपक मल्होत्रा? मैं? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं राज मल्होत्रा हूँ। राज? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं रॉकी, ये सच बोल रहे हैं। ये मेरे जीजा जी हैं, राज मल्होत्रा। मुजरिम तो ये दोनों हैं जो पिंकी की जान के बदले मुझसे इन पेपर्स पर साइन करवाना चाहते हैं। नहीं रितु, औरों की तरह तुम भी धोखा खा गई हो। मुजरिम ये दोनों नहीं बल्कि ये राक्षस है। ना तो तुम जाके शौहर हो ना पिंकी के पिता। रितु, ये राज मल्होत्रा नहीं, दीपक मल्होत्रा है। दीपक मल्होत्रा! क्या बकवास कर रहे हो तुम कहना क्या चाहते हो कि गुनहगार मैं हूं, मुजरिम मैं हूं? किसी पे इल्जाम लगाने से पहले सबूत होना चाहिए। अरे गुनेगार तो ये दोनों है जिनका घिनौना रूप के देख चुकी है। मैं राज मल्होत्रा। ठीक है, अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि तुम ही राज मल्होत्रा हो तो फिर वो कौन है? जिंदा देखकर हैरान हो गए? वैसे मुझे मारने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। कौन हो तुम, बोलो? मैं
तेरा हमशक्ल भाई राज मल्होत्रा हूं और आज मैं तेरा राज फाश करने आया हूं। यही फर्क है हम दोनों के बीच दीपक मल्होत्रा कि तेरी आंखें नीली है नीली मेरी नहीं मेरी आंखें नीली है हां उस रात यही हरकत तेरी बीवी ने भी की थी उसने भी मुझे थप्पड़ मारा था और मेरी नीली आंखों का रास छाड़ गई थी कमीने जया का खून तूने किया था और दुनिया मुझे खातिर समझती रही क्योंकि तूने मुझे कैद करके रखा था हाँ मैंने तुझे कैद कर रखा था क्योंकि तू मेरा हमशक्ल है हमशक्ल और तेरे हमशक्ल होने का फायदा उठाकर मैं तेरी बीवी का जायदाद का वारिस बनना चाहता था लेकिन उसको मारने के बाद मुझे पता चला कि उसने अपनी पूरी जायदाद रीतु के नाम लिख दी और इस जायदाद के लिए तूने रीतु को भी मारना चाहा हाँ हाँ चाहता तो मैं यही था मगर ये कमबख्त आशिक बीच में आ गया और इसे मारने के लिए मैंने गुंडे भेजे मगर मेरी तकदीर कुछ खराब थी जे जे और राकेश ने आकर इसे बचा लिया और रीतु के वहां आने से पहले तूने मुझे मारने की पूरी कोशिश की मैंने तो यही सोचा था कि तू मर चुका है मगर तू जिंदा है जिंदा उसके बाद हम तेरे अगले कदम का इंतजार करते रहे और तूने एक भूल कर दी तू पिंकी को हासिल करने राज मल्होत्रा बनकर उसके हॉस्टल पहुंचा लेकिन यह बात उस हॉस्टल के पादरी ने हमें बता दी फिर तूने अपने ही किसी आदमी को बोट क्लब का मैनेजर बनाकर रितु को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया और मुझे फोन करके रोक लिया लेकिन इससे पहले कि बोट में लगा हुआ बॉम्ब रितु और पिंकी की जान ले लेता मैंने उन दोनों को बचा लिया बार बार अपने मकसद में नाकामयाबी ने तुझे पागल कर दिया और तू अपने जुनून से मजबूर रितु को मारने के लिए उसके कमरे तक पहुंच गया मुमकिन था कि उस रात में तुझे रंगे हाथ पकड़ लेता मगर तू बच निकला इस बीच तुझे पता चला कि रॉक डांसर ग्रुप में 15 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और ये तीनों ये रकम चैरिटी फंड में देना चाहते हैं तू एडवोकेट मेहता के ऑफिस पहुंचा उसका खून करके तूने वो कागजात हासिल कर लिए और वहीं पर तूने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टाइप किया जिस पर इन तीनों के सिग्नेचर लेने के बाद उस 15 करोड़ का अकेला वारिस सिर्फ तू होता फिर तूने बड़ी चालाकी के साथ पिंकी को होटल से किडनैप किया उसके बाद ये आकर हमसे मिला पिंकी की जिंदगी की धमकी देकर इसने न सिर्फ इन कागजात पर हमारे दस्तखत करा लिए बल्कि रितु के सामने हमें खलनायक बना के पेश किया ताकि रितु बच्ची की खातिर कागजात पर अपने दस्तखत कर दे लेकिन अफसोस तेरा ये प्लान कामयाब नहीं हो सका मिस्टर दीपक मल्होत्रा वाह इंस्पेक्टर वाह उम्र तो तेरी कच्ची है मगर काम बहुत पक्का किया है तूने मेरे गुनाहों की कहानी नहीं बल्कि पूरा इतिहास खड़ा कर दिया तुमने मगर फिर भी मेरा मकसद पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे हर गुनाह का जिम्मेदार मैं इसे ठहरा हूं हाँ तुम्हें और तुम सबको मारने के बाद ना कोई सबूत रहेगा ना कोई गवाह रहेगा जो कह सकता है कि मैं दीपक मल्होत्रा हूं बस यही तेरी शैतानी चालों का ट्रैफिक जैम हो गया है बच्चों क्योंकि जिसके सामने तूने अपने गुनाहों का इकरार किया है ना वो राज मल्होत्रा नहीं वो है आपके चाहते क्यों हो गया ना ट्रैफिक जैम भाई साहब अभी अभी आपने जो अपने जुर्म का इकरार किया है वो इस टेप रिकॉर्डर में टेप हो चुका है आप तो गए 14 साल के लिए अंदर बाकी हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा थैंक्स दोस्त ऑल द बेस्ट क्या डर्टी लुक दे रहा है यार ये भाई देख ले जा देख रॉकी नहीं इसके साथ कोई जाती मत करो पिंकी अभी भी इसके कब्जे में है बता पिंकी कहाँ है ऐसी भी क्या जल्दी है देखना चाहते हो वो नन्ही सी जान कहाँ है
वो देखो। रितु, उस बॉम्ब उसके शरीर में बांध रखे हैं मैंने। हाँ पिंकी। तो फिर जल्दी से उन कागजात में दस्तखत कर दो। मैंने दस्तखत कर दिए हैं, अब तो पिंकी को छोड़ दो। छोड़ दूं? तुम क्या कहते हो, छोड़ दूं? मैंने इसे 5 मिनट की जिंदगी बख्श दी है। क्या बचा सकते हो तो बचा लो। अब्दुल, देख क्या रहे हो, भून डालो इन सबको। रखना रितु, दोस्त दोस्तों की जान बचाते हैं लेते नहीं। अंकल, इसे मेरे मम्मी डैडी को मारा है, इसे मत छोड़ना अंकल, इसे मत छोड़ना। तो
ओह माय गॉड, समंथा फॉक्स मेरा इंतजार कर रही है। डोंट वरी अंग्रेजी मैन, जैसी बाबू इसका नहीं।